सर ये डिवाइस है जो कि वोल्ट प्लस एम्पेयर प्लस किलो वोल्ट एम्पेयर पे काम करती है, जिसका सेट बटन है, ये अप डाउन बटन है, ये सेट पे क्लिक किया ये ओवर वोल्ट आ गया, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखा जाता है कि 240-50 से ऊपर जो सर इसको ना नहीं किया जाता बहरहाल, ठीक है। अंडर वोल्ट पर आ जाए 170 वोल्ट, आप 140 वोल्ट से लेके तो आप इसको 210 वोल्ट तक आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जिसका टाइमर आ गया, आप 1 सेकंड से लेके तो आप 400 सेकंड तक इसको सेट कर सकते हैं कि जैसे ही वोल्ट में ट्रिप हो तो कितने सेकंड बाद ये ऑन हो। ये आ गया 1 सेकंड पे कर लें, 2 सेकंड पे कर इसमें मर्जी, दोबारा सेट पे क्लिक करेंगे तो ये अम्पेयर्स आ गए हैं। तो क्या आप 63 अम्पेयर अपना 1 अम्पेयर से लेके तो 80 अम्पेयर तक आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अम्पेयर में, कि ये 80 अम्पेयर तक लोटा आपका उठा सकती है। उसके बाद दोबारा सेट पे क्लिक किया तो ये अम्पेयर की आगे ट्रिपिंग टाइमिंग, ये आप इसको 1 सेकंड से लेके और 30 सेकंड तक कर सकते हैं। एम्पेयर में ट्रिपिंग टाइमिंग के 30 सेकंड बाद बारह स्ट्राइक करेगा कि करंट एम्पेयर आपका बिहेवियर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही होगा तो करंट प्ले ऑन करवा देगा। और ये इसका आ गया रिवाइव टाइमर, कि रिवाइव टाइमर है 400 सेकंड तक, कि आप इसको जिस तरह वोल्ट में है कि 1 सेकंड से लेके 400 सेकंड तक आप वोल्ट कर ले सकते हैं टाइमिंग का, रिवाइव टाइमिंग का, इस तरह एम्पेयर में भी 1 सेकंड से लेके और 400 सेकंड तक आप जहां मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसकी आगे किलोवाट एम्पेयर भी आप सेटिंग कर सकते हैं, जितने आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं आप उसके आगे देख सकते हैं कि आपने कितने कंजम्पशन की, आपके मुताबिक आप कहते हैं कि एक महीने में आपने तकरीबन कोई 300-400 वोट आपने यूनिट कंज्यूम करना है तो आप उसको 300 पे कर लें, 300 के बाद वो ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा। अभी 80 पे क्या हुआ तो ये 80 यूनिट जब चलेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, आप उसको जहां मर्जी रखें आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बटन दबा के रखना है तो आपकी प्रोग्रामिंग सेव हो जाएगी। ये सर इसकी प्रोग्रामिंग।